हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंग एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकेंड, यानी कि रबी क्रॉप्स में आज का टॉपिक है हमारा एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस। ओके, यानी कि एबायोटिक में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, बायोटिक में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, दोनों की अलग अलग बातें करेंगे हम, अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे यहाँ पे एबायोटिक स्ट्रेस कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं हमारे क्रॉप्स को। ओके, एबायोटिक स्ट्रेस रिफर्स टू एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, ड्राउट, सैलिनिटी एंड पोल्यूटेंट्स। ओके, एबायोटिक स्ट्रेस में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं हमारे फसलों को, इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं वह हमारा टेम्परेचर हो गया, ड्राउट हो गया, सैलिनिटी हो गए एंड पोल्यूटेंट्स हो गए। ओके, वाइल बायोटिक स्ट्रेस इन्वॉल्व लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक पेस्ट एंड पैथोजन्स। ओके, जबकि जो हमारा बायोटिक स्ट्रेस है इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारा पेस्ट हो गया और पैथोजन्स हो गए। ओके, यही क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं क्रॉप के यील्ड को। ओके, क्रॉप विथ हाई स्ट्रेस टॉलरेंस आर ब्रेड और इंजर्ड टू विथस्टैंड दिस चैलेंजेस। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फसल है अगर हाई स्ट्रेस पर पड़ गया इनका, जैसे कि टेम्परेचर का या ड्राउट का, सैलिनिटी का, यानी कि एबायोटिक स्ट्रेस का, एबायोटिक स्ट्रेस का इजी वे में बोले तो वह इंजर्ड हो जाते हैं। ओके, विथ स्टैंड दिस चैलेंजेस, यानी कि वह ये इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ओके, इंश्योरिंग बेटर यील्ड, अगर हमें अच्छी उपज चाहिए एंड रेजिलेंस इन एडवर्स कंडीशन, तो हम लोग क्या करेंगे अलग अलग, यानी कि अलग अलग कंडीशन में अगर वो रेजिलेंस पाना चाहते हैं कोई भी फसल, जो जो फार्मर हैं वो चाहते हैं कि नहीं हमारा जो फसल हो एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाए, टेक्निक सच एज मॉलिकुलर ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग आर यूज टू डेवलप स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटी। तो क्या करेंगे, वह टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, किसका, मॉलिकुलर ब्रीडिंग का एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जिससे वह अपने फसल को विकसित कर पाएंगे अलग अलग जगह पे, अलग अलग अपने वैरायटीज क्रॉप्स को। ओके, सो स्टूडेंट थोड़ा सा समरी करके हम बता दें तो एबायोटिक स्ट्रेस में हम लोग पढ़े एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि आपके टेम्परेचर हो गए, ड्राउट हो गए, सैलिनिटी हो गए, पोल्यूटेंट्स हो गए। बायोटिक फैक्टर में हम लोग पढ़े पेस्ट एंड पैथोजन, जिनका अगर प्रभाव पड़ा बहुत ज़्यादा हमारे क्रॉप्स पे तो हमारा जो क्रॉप है वह इंजर्ड कर जाएगा, इंजर्ड करेगा तो आपको उतना प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगा, उतना आपको यील्ड नहीं मिलेगा। इसके लिए आप कुछ टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मॉलिकुलर ब्रीडिंग हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, और इससे आप अच्छा अपने आप अपना जो क्रॉप है उसके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि यील्ड आपको अच्छा मिले, प्रोडक्शन भी अच्छा हो। तो यही था हमारा एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, दैट्स क्लियर। होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।